सो गाइज़ वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज़ आज की इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूँ फाइनली एग्जाम्स के बारे में। तो क्या कहा आज के इंटरव्यू में उदय सामंत सर ने, जो कि हमारे हायर एंड टेक्निकल मिनिस्टर हैं। तो गाइज़ आज जो है 13 मिनट का जो है इंटरव्यू हुआ, जिसमें जो है उदय सामंत सर ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही। तो हम उन इंपॉर्टेंट बातों को जो है, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो गाइज़ मैं आपको जो है पूरा ओवरव्यू बताऊँगा कि भाई उस इंटरव्यू में हुआ क्या। तो गाइस जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि भाई महाराष्ट्र स्टेट में जो है जो यूजीसी ने गाइडलाइंस दिए हैं उसको फॉलो करते हुए एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो ये क्वेश्चन 1 आता है। तो गाइस इसका जो आंसर जो है उदय सामंत सर ने जो है इस प्रकार दिया है कि भाई जो गाइडलाइन जो यूजीसी ने दी है उस गाइडलाइंस को जो है महाराष्ट्र स्टेट में जो है नहीं फॉलो की जा सकती, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट में जो COVID-19 की सिचुएशन है उस सिचुएशन में जो है स्टूडेंट्स के लाइफ को जो है रिस्क में नहीं डाल सकते और उस सीनेरियो के अंदर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जा सकता और ये पॉसिबल नहीं है। और इसी को जो है कल उन्होंने जो है अपने लेटर में जो है लिखा है, जो कि उन्होंने HRD मिनिस्टर को जो है भेजा है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अगर महाराष्ट्र स्टेट में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करनी ही पड़े, अगर UGC कहता है कि भाई कोई भी सिचुएशन में आपको एग्ज़ाम लेनी ही पड़े, तो क्या UGC की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए महाराष्ट्र में एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। तो गाइस इसका भी जो आंसर है वो हमारे जो हायर एंड टेक्निकल मिनिस्टर उदय सामंत सर ने दिया है वो बहुत ही शानदार आंसर है। तो ये कहते हैं कि भाई अगर हमें फिर भी एग्ज़ाम कंडक्ट करनी पड़ती है तो UGC को जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे, UGC को जो है कुछ गाइडलाइंस इसके लिए भी देनी होगी। तो वो गाइडलाइंस UGC को ऐसे देनी होगी कि भाई अगर हम एग्ज़ाम लेते हैं और स्टूडेंट्स को जो है कोरोना हो जाता है, स्टूडेंट्स के लाइफ पर रिस्क आता है, तो इसके जिम्मेदार UGC होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी तो वो जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो कहाँ छपेंगे, इसकी गाइडलाइंस UGC को देनी होगी। स्टूडेंट्स के क्वेश्चन पेपर को, मतलब जो भी आप आंसर शीट लिखते हो उन आंसर्स को चेक कौन करेगा, इसकी गाइडलाइंस UGC को देनी होगी। प्लस जो एग्जामिनर्स होंगे, जो टीचर्स होंगे, वो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करेंगे, एक बैच के अंदर कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे, तो इन सारी गाइडलाइंस को जो है UGC को देना होगा। इन द ओवरऑल सेंस UGC को जो है हर एक चीज़ के लिए जो है खुद को रिस्पॉन्सिबल लेना होगा अगर एक भी स्टूडेंट को कोरोना होता है या उसके लाइफ को जो है कुछ होता है। तो यहाँ पर जो है UGC के सामने जो है उदय सामंत सर ने जो है बहुत अच्छे वे से जो है उन्हीं के सामने जो है क्वेश्चन खड़ा कर दिया है। और एक तरीके से यार ये सही भी है कि UGC जो है स्टूडेंट्स की लाइफ की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती है क्या, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अब UGC के सामने जो है उदय सामंत सर ने जो है रख दिया है। फिर गाइस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आता है वो ये है बैकलॉग स्टूडेंट्स के लिए। तो गाइस उनके सामने जब ये क्वेश्चन पूछा गया भाई कि बैकलॉग के स्टूडेंट्स के लिए क्या डिसीजन लिया जा रहा है और कब तक आएगा, तो गाइस उदय सामंत सर कहते हैं कि भाई बैकलॉग का जो डिसीजन है उसके लिए जो है पूरी मीटिंग्स ली जा रही हैं, कुलगुरु के साथ जो है बैठक हुई, उनके साथ डिस्कशन हुआ, उन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स भी रखे हैं और जल्दी जो है इसके ऊपर जो है डिसीजन आने वाला है। तो गाइज़ मैं आप सभी को ये बता दूं कि भाई कल जो है 4 बजे जो है उदय सामंत सर जो है लाइव आएंगे। उन्होंने अब ये नहीं बताया कि भाई फेसबुक पर लाइव आएंगे, जो उनका MHRD का जो पेज है उस पर आएंगे या इंस्टा पे, वो जो है हमें कल पता चल ही जाएगा। ऑफिशियली जो है वो अपने ट्विटर पे अनाउंस कर ही देंगे, तो वहाँ पर जो है वो सारे जो है प्रूफ्स बताएंगे कि भाई हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, हम जो है कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम जो भी डिसीजन लिए हैं वो स्टूडेंट्स के हित में हैं। तो कल जो है वो यही सब कुछ बताएंगे। तो कल जो है उनके देखेंगे कि उन क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं और कल का जो है अपडेट आपको डेफिनेटली 2 to 2 Tech में मिल जाएगा। तो भाई जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, तो भाई वो ये था कि उनसे पूछा गया कि भाई तो जो स्टूडेंट्स जो है पास होंगे तो क्या उनकी जो सर्टिफिकेट होगी, उनकी जो डिग्री होगी, उसके ऊपर ऐसे मार्क होगा कि भाई आप कोरोना की वजह से आपको पास किया गया। तो भाई इसके ऊपर जो है उदय सामंत सर जो है क्लियर कट कह देते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा और ये जो है कुछ लोगों ने जो है इस बात को फैलाया है, यानी कि आपकी डिग्री सर्टिफिकेट के ऊपर जो है ऐसा कोई स्टैंप लिखा नहीं होगा कि भाई कोरोना की वजह से पास किए गए हो। तो गाइस यहाँ पर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि ये देखो ये जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई हमने जो है स्टूडेंट्स को फ्रीडम दे रखा है, जिन स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देनी है वो बाद में दे सकते हैं और जिन स्टूडेंट्स को नहीं देनी है वो डायरेक्टली जो है जो भी यूनिवर्सिटी को हमने कहा है उनके मार्क्स कैलकुलेट करके उनका रिज़ल्ट बनाओ, उस वे से जो है वो रिज़ल्ट जो है स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे, उस वे से उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो गाइस ओवरऑल जो है यही जो है उस 13 मिनट्स की जो इंटरव्यू हुआ था उसमें यही सब कुछ हुआ था जो आपको जानना चाहिए था। आप सभी ने रिक्वेस्ट की कि भाई हिंदी में बनाओ, हमें कुछ पॉइंट्स समझ में नहीं आए, तो गाइस ये वीडियो जो है उसी के लिए है।
सो गाइस होपफुली वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, एक लाइक ठोक दो और हमारा जो गोल है 50,000 सब्सक्राइबर्स का उसको रीच करने में हेल्प करो, 50,000 की जो फैमिली है उसे कंप्लीट करने में। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।